हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, एक इंसान को कितनी धरती चाहिए। आज की वीडियो में यही कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, और अगर आप एंड तक रुकते हैं तो मेरी हैप्पीनेस स्टोरीज के पिटारे में से एक स्टोरी निकल के आएगी, एक 65 साल के बुजुर्ग अंकल की, जिन्होंने बताया कि हैप्पीनेस असली में क्या है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इग्नाइट योर न्यूरॉन्स एट अ मिशन to touch a billion lives positively. It'll be a joy if you can subscribe to the channel and share and like this video, because we are on a mission to inspire and ignite the spark within. So, you know, मैं हर हफ्ते कुछ stories पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, और आप कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। आज उनमें से ही किसी ने मुझे ये story भेजी, and एक बहुत ही beautiful story, बहुत ही powerful story है। Then when I searched more about this story, this is a story that was written by Leo Tolstoy, and काफी पुरानी story है। इसके बहुत सारे renditions और रूप निकल के आए हैं, हिंदी में, रशियन में, अलग अलग languages में, पर आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उनका ही एक version है, but जो theme है, जो उसका meaning है, जो उसका मकसद है, that stays the same. So एक बार की बात होती है, गाँव में एक इंसान होता है, वो अपनी वाइफ और अपनी बहन और माँ के साथ रह रहा होता है। उसका एक छोटा सा लैंड का पीस होता है, उस पर खेती करता है, जितना कमा पाता है उसके थ्रू उसकी जिंदगी चलती है। वो रोज देखता है कि जो भी वो घर में कमा कर लाता है वो इनफ नहीं पड़ता, एंड कभी उसकी बहन और वाइफ की लड़ाई होती है, कभी वाइफ और मदर की लड़ाई होती है, और हर वक्त वो आर्ग्यू करते रहते हैं एक दूसरे। एंड दिस आर्ग्यूमेंट मेक्स हिम फील वेरी अपसेट। वो रोज रात को अपनी जो उसका घर होता है, उसकी जो झोपड़ी होती है वहां पे, उसके बाहर बैठ के ही सोचता है, काश मेरे पास एक बड़ा पीस ऑफ लैंड होता और मैं बहुत कमा पाता और सब कुछ ठीक हो जाता, और उस कमाई से मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चलने लग जाती। तो वो ये सोचते हुए जब बहुत ही परेशान हो रहा होता है, कुछ दिन निकल जाते हैं ऐसे, तभी वहाँ का जो किंग होता है वो अनाउंस करता है कि मैं सब लोगों की, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, तो जिसकी भी लाइफ में कोई विश है, इच्छा है, वो मेरे पास आए और मैं उनकी वो विश पूरी करूँगा। तो ये आदमी सोचता है यही मेरा गोल्डन मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आई नीड टू गो टू द किंग एंड आई नीड टू आस्क द किंग कि मेरा जो लैंड है उससे मेरे को डबल दे दो, तो मैं, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो वो जब मौका मिलता है उसको, वो किंग के जो कोर्ट होता है उसमें पहुंच जाता है। द किंग आस्क्स हिम, सो व्हाट डू यू नीड मैन, व्हाट डू यू थिंक विल मेक यू हैप्पी? एंड द मैन रिप्लाइज, किंग आई हैव बीन लिविंग विद दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर सो लॉन्ग, इतने छोटे से एक टुकड़े के साथ मैं जिंदा हूँ, काम चला रहा हूँ, अगर वो लैंड बड़ा हो जाए तो मेरी लाइफ तो कम्प्लीटली सेटल्ड है। तो किंग सेज, ठीक है, तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा लैंड देने को तैयार हूँ, जितना बड़ा तुम्हें चाहिए मैं उतना बड़ा लैंड तुम्हें देने को बिल्कुल रेडी हूँ, पर क्या तुम उसके लिए रेडी हो? वो आदमी कहता है मैं तो बहुत खुशी से इस चीज के लिए, मैं तो वेट कर रहा था इस चीज की। द किंग टेल्स हिम, कल सुबह 8 बजे जब सनराइज होगा तब व्हाई डोंट यू कम टू माय कोर्ट अगेन, एंड उस टाइम आपको मैं एक टास्क दूंगा कि आपको भाग के लैंड कवर करना है, जितना लैंड तुम कवर कर पाओगे वो सारा लैंड तुम्हारा। एंड नाउ ये आदमी बहुत ही खुश होता है कि ये तो किंग ने मेरे लिए लॉटरी ही हो गई, मैं तो काफी भाग सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ, तो आई विल बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ लैंड। एंड देन द किंग सेड कि जब तुम वो लैंड कवर करने के लिए आगे बढ़ोगे तो जहां पर भी तुम शुरू करोगे तुम्हें सनसेट के टाइम में घूम के वहीं वापस आना है। अगर तुम वहां वापस नहीं आ पाए तो फिर मैं तुम्हें कोई भी लैंड नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी एक शर्त है। सो द मैन थिंक्स ये कितना मुश्किल होगा, मैं कुछ किलोमीटर्स दौड़ूंगा और फिर घूम के वापस आ जाऊंगा, तो बाय द टाइम आई एम बैक तब तक सनसेट भी नहीं होगा और मेरे को सारा लैंड भी मिल जाएगा। तो खुशी से अगले दिन तैयार होकर अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, सबको बोल के कि आज मैं हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करने जा रहा हूँ और मैं आज वो लैंड लेके आऊंगा और फिर हम बहुत ही खुश और संतुष्ट रह पाएंगे। एंड देन ही रीचेस द किंग्स कोर्ट एंड नाउ ही इज वेरी हैप्पी कि आज तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, और वो कहता है किंग को कि मैं कवर करने को तैयार हूँ लैंड, आप लोग रेडी हैं? किंग कहता है यस वी आर एब्सोल्युटली रेडी, करो तुम जोश में शुरू करना है। द मैन स्टार्ट्स टू रन, इट्स टाइम 8 AM, सनराइज हुआ है अभी। द मैन स्टार्ट्स टू रन, ही थिंक्स कि मैं 12 बजे तक दौड़ूंगा और फिर उसके बाद मैं वहां से टर्न ले लूंगा कि उतना लैंड मेरे लिए इनफ होगा। ही स्टार्ट्स टू रन, थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़ता है और थोड़ा आगे बढ़ता है, काफी लंबा डिस्टेंस वो कवर कर चुका होता है, सन एकदम पीक पे होता है, वो पसीने में बुरा हाल, ही इज स्वेटिंग, ही इज वर्क रियली हार्ड, ही इज ब्रीदिंग हेविली, बट ही कीप्स रनिंग बिकॉज नाउ इन हिज माइंड ही इज थिंकिंग ऑल माय प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी रिजॉल्व नाउ, आई एम गोइंग टू हैव दिस बिग अ लैंड एंड आई एम गोइंग टू हैव सो मच एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आई विल डू, एंड मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। भागता जाता है, भागता जाता है। अब इस टाइम पे वो रुकने का सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि ऑल ही इज थिंकिंग इज कि मैं कितना बड़ा लैंड एक्वायर कर सकता हूँ। ऑल ही इज थिंकिंग इज कि मैं उससे भी बड़ा हो जाऊंगा, इससे भी बड़ा हो जाऊंगा। वो दूसरों से खुद को कंपेयर करना शुरू हो जाता है एंड ही फील्स कि नाउ आई एम गोना बी द किंग बिकॉज आई विल हैव ऑल दिस लैंड दैट आई विल हैव एक्वायर्ड। कुछ दूर और दौड़ने पर जब वो थक चुका होता है, पर उसकी एक्साइटमेंट, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो वहां पे सोचता है कि अरे अब तो सूरज डूबना शुरू हो गया, द सन हैज मूव्ड टू दैट साइड एंड इज नाउ गोना सेट डाउन। एंड सो यहाँ पर सोचता है कि आई शुड नाउ स्टार्ट टू गो बैक। एंड फिर वो दौड़ना शुरू करता है उल्टी डायरेक्शन में और स्पीड बढ़ाता है और स्पीड बढ़ाता है। और वो जानता है अपने दिल में कि अब वो सनसेट से पहले वापस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो अपनी पूरी जी जान से कोशिश करता है, क्योंकि उसको लैंड तभी मिलेगा जब वो वहां तक पहुंच पाएगा। उस टाइम वो पूरी तरह थक चुका है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ही इज कंप्लीटली लॉस्ट ऑल हिज एनर्जी। ही कीप्स रनिंग, कीप्स रनिंग, कीप्स रनिंग and finally he falls on the ground and dies. The king and his courtyard and the men in the king's court, they reach out to that man, they pick him up, they take him to the family and usko dafn kar dete hain. And now he is here dead. He could not make that choice ki kab mujhe wapas mudna tha, ki kab mujhe sunset se pehle wapas usi spot pe pahunchna tha. Aur is greed mein, इस लालच में, इस अपने माइंड के उस एटीट्यूड में जिसमें वो खुद को कंपेयर कर रहा था और उसे कोशिश कर रहा था कि मैं और ले लूं और ले लूं और अचीव कर लूं, ही लॉस्ट हिज बैटल एंड ही डाइड। आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं? कमेंट सेक्शन में ऐड करिए, डालिए। आई रियली वांट टू हियर व्हाट इज द लेसन दैट यू डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्टोरी। फॉर मी, यू नो, इट्स अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम थिंग दैट आई हैव शेयर्ड मेनी टाइम्स कि आपकी वांट्स और आपकी नीड्स में फर्क होना चाहिए। आपकी नीड क्या है, किस चीज के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो आपको सोचना है। और आपकी वांट्स, उनको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि वांट्स तो कभी खत्म नहीं होंगी। आपकी नीड्स क्रिटिकल हैं, बट आपकी वांट्स इग्नोर करी जा सकती हैं। आपकी वांट्स को आपको अल्टीमेटली खत्म करना है। अगर आप अभी तक ये स्टोरी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स, पुट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, स्टोरी के एंड में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक और स्टोरी फ्रॉम द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट। सो आई लेड दिस प्रोजेक्ट बैक इन 2016, जहां मैंने 400 लोगों से जाकर बात करी और उनसे पूछा हैप्पीनेस क्या है, क्या चीज है उन्हें जो हैप्पी करती है। ये कनॉट प्लेस की फोटो है जिन अंकल की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अंकल वो स्पायरल वाली ड्रॉइंग्स बनाने वाला एक सेट होता है, ही सेल्स दैट सेट। एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू एंड ही हैड अ वेरी सिंपल आंसर। मैं मेहनत करके, अपनी मेहनत से पैसे कमा पा रहा हूँ, अपनी फैमिली को पाल पोस के बड़ा कर पा रहा हूँ, दैट्स हैप्पीनेस टू मी। कुछ लोगों को कुछ और चाहिए होगा, कुछ और चाहिए होगा, बट मेरे लिए ये हैप्पीनेस है। मैंने उनसे पूछा कि ये जो स्पायरल वाला सेट आप बेच रहे हैं, अभी भी कोई खरीदता है क्या? क्योंकि मेरे जमाने में तो होता था, बट आज के बच्चे जो इतने डिजिटली सैवी और मोबाइल फोन्स वाले हैं, वो ये यूज करते हैं। एंड ही सेड कि अभी भी ऐसे बच्चे और एडल्ट्स दोनों आते हैं जो ये सेट खरीद के ले जाते हैं। एंड देन ही सेड कि बाहर के किसी देश में उन्होंने कहीं पढ़ा है, एक ऐसा स्पायरल सेट है जो करीबन 25,000 से 30,000 रुपए का है। वो कहते हैं मेरा सेट तो सिर्फ 100 रुपए का है, और लोग उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं, बट मैं कभी जिंदगी में वो 25,000-30,000 वाला सेट भी देखना चाहूंगा कि उसमें ऐसा क्या है कि वो सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी। एंड ही सेड हैप्पीनेस टू मी इज ऑल्सो इन द बार्गेनिंग दैट आई डू विद माय कस्टमर्स, बिकॉज उनसे मेरा एक कनेक्शन बनता है। वो 5-10 रुपए के लिए जब मुझे बोलते हैं और मैं नहीं मानता, और वो ये आर्ग्यूमेंट होता है या एक कॉन्वर्जेशन होता है, एक कनेक्शन बन के जाते हैं उनके साथ हमारा। एंड दैट टू इज हैप्पीनेस। सो दैट्स द स्टोरी फॉर द डे। हैप्पीनेस एक बहुत ही सिंपल चीज है। आपकी नीड्स जितनी आसानी से मेट हो जाएंगी, आप उतने हैप्पी होंगे। अगर आप अपनी वांट्स के पीछे भागते रहेंगे तो अल्टीमेटली तो 2 गज जमीन ही चाहिए दफन होने के लिए। तो होपफुली दिस वीडियो गिव यू अ मैसेज। Please subscribe to the channel, share this video with your friends and family. Let's ignite and inspire that unique spark that is within you. Ignite your neurons on a mission to touch a billion lives.